दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर VEO के लिए उत्तर प्रदेश भौगोलिक संरचना तथा जलवायु के टॉप 45 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और साथ में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि 45 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बताइए, आंसर हो जाएगा 650 किलोमीटर से 240 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्या आंसर होगा बताइए, आंसर हो जाएगा आपका 7.33%। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? आंसर हो जाएगा 8। चौथा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देश में पूछ रहा है, चौथा स्थान है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा शिवालिक। छठा क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर क्या होगा बताइए, आंसर हो जाएगा विंध्य। सातवा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? नेपाल। आठवां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा यमुना मैदान में प्राचीन काप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वांगर। दसवां क्वेश्चन, गंगा यमुना मैदान में नवीन काप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है खादर। ग्यारहवां क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ? दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कैरबियन। बारहवां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा दूसरा, कुल तीन। तेरहवां क्वेश्चन, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, तराई क्षेत्र की भूमि समतल भी होती है, नम होती है, दलदली भी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, छोटा सा और कर लूं, जरा सा जूम, हल्का सा जूम। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? बताइए क्या आंसर होगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, धान और गन्ना। पंद्रहवा क्वेश्चन, तराई क्षेत्र का वह भाग जहां कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भांवर क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विहिड़ का निर्माण किन नदियों के किनारे पर हुआ है? 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल दो दो और चार, दो में आ जाएगा यमुना, चौथे में आ जाएगा चंबल। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है?
आंसर हो जाएगा 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? बताइए क्या आंसर होगा। आंसर हो जाएगा आपका इटावा। 19वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? आंसर क्या होगा बताइए। आंसर हो जाएगा सहारनपुर। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 20वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। 21वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जो जलवायु वो कैसी है बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी। 22वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये तीन ऑप्शन ऑप्शन आपके सामने हैं, सिलेक्ट कीजिए। आंसर बताइए क्या आंसर होगा। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चौथा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका पहला, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 23वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भांवर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? बताइए क्या आंसर होगा। आंसर हो जाएगा कंकरीली पथरीली। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान कितना होता है? बताइए क्या आंसर होगा। आंसर हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? आगरा। आंसर हो जाएगा आपका आगरा में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? बताइए क्या आंसर होगा। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? बताइए क्या आंसर होगा। आंसर हो जाएगा पूर्वी मानसून। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? सर्वाधिक वर्षा आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानों, पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः क्या होती है? क्या आंसर होगा बताइए। आंसर हो जाएगा घटती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने सॉरी उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले तापमान क्या आंसर होगा बताइए। आंसर हो जाएगा घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा चक्रवाती और तीसरा संवहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा बलिया, याद कर लीजिए आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है बताइए। थोड़ा समय मैं आपको देता हूं ताकि आप आंसर क्लियर कर सकें और कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकें। आंसर हो जाएगा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है बताइए।
इसको वैसे बोलते हैं लखीमपुर खीरी, इसमें ऑप्शन में दिया है खीरी लखीमपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद है, बताइए क्या आंसर होगा। मथुरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड वाला जिला है कौन सा है, बताइए। आंसर हो जाएगा सोनभद्र। 39वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकार कैमूर किन जिलों में स्थित है, बताइए क्या आंसर होगा। आंसर हो जाएगा मिर्जापुर सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर जनपद में वर्षा की संभावित अवधि कितनी है, राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना बताइए जल्दी से, 56 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है, बताइए क्या आंसर होगा। चौथा वाला ऑप्शन सही जाएगा, दूसरे पे देखिए आ जाएगा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारक कहा गया है, तो कथन ए में क्या है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, कारण आर है हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, उपयुक्त के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए या सही आंसर दीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है, बताइए क्या आंसर होगा। आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। आंसर गौतम बुद्ध नगर नहीं होगा, मैं सी बोल रहा है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन बोल रहा है इसमें, तो आंसर आपका जो हो है वो है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमावर्ती हैं, देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, 8, 10, 11 या 12, आंसर हो जाएगा तीसरा आपका 11। अगला क्वेश्चन, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार के साथ सीमावर्ती हैं, आंसर हो जाएगा कुल 7। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।